हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट पर। आज मैं आपको एक डोर हैंगिंग तोरण बनाना बताऊंगी। उसके लिए आपको इन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। ये जैसे ये छोटे छोटे वाइट पाइप्स है, ये रेड कलर के क्रिस्टल मोती है, ये सेम ब्लू कलर पर्पल कलर के है और इनको गोटा बोलते हैं, ये ग्रीन और ऑरेंज कलर है और ये छोटे छोटे वाइट कलर के मोती है और ये आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें से धागा लेना है थोड़ा। फिर ये ऑरेंज गोटा लेके ये इसमें डालना है अपन। ये देखो, ये इसमें छेद दिया हुआ है। ऐसे करके दोनों मुंह को जॉइंट करना है अपन को। दोनों को साथ में लेना है। अभी इसमें से दो मोती को हमें धागे में पिरोना है। तो मैंने आपको बताया इसके छेद थोड़े छोटे, तो आप इसमें पानी की हेल्प ले सकते हो। पानी में ऐसे धागा आपको डुबा के निकालना है, इससे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, फिर आप इसमें डाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए, फिर इजीली आ जाएगा इसमें। मैंने अब आपको एक रेड मोती लेना है, ये इसमें डाल दिया। अभी वापस आपको इसको दो लेनी है छोटी छोटी मोती। अगर नहीं आए तो आप फिर से पानी में डुबा के निकाल सकते हैं धागे को, वो स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। हो गया। अभी आपको दोनों धागों को अलग करना है ऐसे, और ये दो वाइट पाइप्स लेना है। ये दो पाइप्स लेना है आपको, अलग अलग धागों में एक एक पिरोना है आपको। ये देखो, ये दोनों ऐसे अलग अलग हो गए हैं आगे अंदर। फिर आपको वापस धागे को थोड़ा सा पानी से भिगोना है। ये दो मैंने पिरो दिए वापस। अब आपको लेना है एक ब्लू मोती। ये ब्लू मोती डाल दी। अब ये एक कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये ऐसे रेडी हो गई है। ये अभी ये दो मोती के, आपको इसमें एक मोती बढ़ाना है ऐसे ऐसे। आपको एक एक मोती बढ़ाते जाना है। जैसे ये तीन की है और ये ऐसे चार मोती के, आपको घूटे भी एक ये कलर और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक लेना है। और ये अभी चार मोती आ गए, फिर इसके ऊपर वापस एक रेड मोती है। इसके ऊपर दो रेड मोती है, ये देखिए, और अब ये तीन। अच्छा, आपको एक एक मोती बढ़ाते जाना है। ये अभी वापस एक एक मोती कम करते जाना है। अपन को वी शेप देना है तो ऐसे बनाना है। ये देखिए, पहले आपको बढ़ते क्रम में जाना है। अपन का वी शेप तैयार हो गया है। ये हमने वी शेप तैयार कर दिया है। हम ऐसा सेम टू सेम एक वी शेप और तैयार करेंगे। ये देखो, ये मैंने ये रेडी किया है। ये सेम टू सेम इसके सेम वी शेप बनाया हुआ है। तरह से ये आठ लाइनें हैं, इसको आप आधा वी शेप बोल सकते हैं। इस तरह से आपको चार शेप रेडी करना है। ये देखो, जिस तरह मैंने रेडी किए हैं ये सेम है, इसके सेम ये ऐसे तीनों और रेडी करना है। और ये अभी लास्ट स्टेप में अपन को ऐसे, ये देखो, चार ब्लू पर्पल मोती है और ये चार रेड मोती है। इस तरह से आपको ये नौ लाइन तैयार करनी है। अब मैं सारे इस डोर हैंगिंग तोरण को आपको अरेंज करके बताती हूँ सारा रख के। ये एल्यूमिनियम की पट्टी है जो 36 इंच ली है मैंने। अब हम इसको इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे डालिया। और ये मिरर की हेल्प से आपको फेविकॉल लेना, और ये माचिस की स्टिक ली है मैंने। आपको पहले फेविकॉल लगा देना, फिर इसके ऊपर ये छोटा मिरर लगाना है।
आप मिरर कोई भी शेप का ले सकते हो, अगर आपको गोल पसंद है तो आप गोल भी ले सकते हो। और ये हम फेविकॉल के हेल्प से इसके चारों तरफ ये चमकीदार लगा के इसको डेकोरेशन करेंगे। डालिया को आपको मैच स्टिक की ये स्टिक से करना है ताकि आप इजीली कर पाओ। ये एल्युमिनियम की पट्टी है, इसको ई चैनल बोलते हैं, जो आपको हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। ये देखिए, ये हमारी पट्टी का फाइनल लुक आया है। सबसे पहले आपको ये तीन रखना है। इस पट्टी पे पहले तो आपको ये सेंटर पॉइंट मेजर करना है, जो मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे इसको रखना है। फिर इन दोनों को इसके बाजू में रखना है। ये साइड में आपको वी शेप अरेंज करना है। ये भी ऐसे सेम तीन अपन को यहाँ पे अरेंज करना है। ये देखो, ये दोनों साइड में मैंने तीन तीन रख लिए हैं। और अब ये जो हाफ हमने चार हाफ वी शेप बनाया था वो यहाँ पे रखना अपन को, अरेंज करके दो इधर और दो इधर अरेंज करना। ये देखो, ये हमने चारों वी शेप अरेंज कर लिए। आपको छोटे से बड़ा, फिर वापस छोटे से बड़ा, ऐसे चारों वी शेप को सेट कर देना है। ये आपको पट्टी ऐसे उल्टी रखनी है। फिर इसका मेरे जैसे ये सेंटर पॉइंट ये वाला है, तो सबसे पहले अपन इसको इसके छेद में ये धागा डालेंगे, सेंटर वाले छेद में डालना है। यहाँ पे उंगली से ऊपर नहीं आए तो यहाँ पे आप सुई की हेल्प ले सकते हो, जैसे आपको ऊपर निकाल लेना है धागा। सेम ऐसे ही सब धागों को छेद में डाल देना है। ऐसे सबको डाल के आपको दो दो धागों के ऐसे गांठ लगा देनी है। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आपको सब में गांठ लगानी है। ये देखिए, मैंने सारे धागों को गांठ लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे धागे काट नहीं रही हूँ, आप चाहते हो तो यहाँ पे धागे काट सकते हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ पे ऐसे डाल दे रही हूँ इसके अंदर। और फिर इनको सेलो टेप की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। आपको धागे नहीं रखने हैं तो आप काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे सिक्योर कर लिया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके बता रही हूँ। ये हमारा डोर तोरण तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।